हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। आई एम जिमी पटेल फ्रॉम कंप्यूटर डिपार्टमेंट। सो मैं आपका जो सब्जेक्ट लेने वाली हूँ उसका नाम है कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, उसका शॉर्ट नेम है CNS। ओके, एंड देन दिस सब्जेक्ट कोड इज 335074। ओके, तो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम है, यानी कि टोटल आपके लेक्चर में क्या आएगा, प्रैक्टिकल क्या होता है और प्रैक्टिकल मार्क्स कितने होते हैं, थियोरी के मार्क्स कितने होते हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम है, यानी कि जो आवर्स होते हैं वो आप देख सकते हैं, तो लेक्चर के आवर कितने हैं, प्रैक्टिकल के 4 है, टोटल क्रेडिट टर्म्स के जो है वो 7 है। इस सब्जेक्ट के टोटल क्रेडिट है वो 7 है, लेकिन एक जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए INT है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन स्कीम, मतलब कि एग्जाम में किस तरह से एक कंडक्ट किया जाता है। ओके, तो टोटल है 70 मार्क्स का थियोरिकल बेस होगा और जो 30 मार्क्स का है वो प्रैक्टिकल आएगा आपका। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल मार्क्स है उसमें से ESC मतलब कि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का 40 मार्क्स होंगे और जो प्रैक्टिकल हम जो करवाते हैं वो 16 होगा, यानी कि टोटल 200 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कितने यूनिट हैं और वो यूनिट के नाम क्या क्या है। ठीक है, तो यूनिट टोटल 5 है। इसके अंदर हम जो सबसे पहला यूनिट है, यूनिट नंबर 1, इसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी कि आप देख सकते हो कि 1 यूनिट सीखने के लिए कितने आवर्स हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट का नाम है बेसिक ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी। थर्ड यूनिट का नाम है क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ सब्जेक्ट का नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड लास्ट वन यूनिट है यूनिट नंबर 5, उसका नाम है वेब सिक्योरिटी। ओके, तो आप देख सकते हो कि पूरा को मीन्स के जो डायग्राम है उसमें के कितना आवर्स हमें लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो टोटल आपके प्रैक्टिकल कितने हैं। ओके, तो इसमें जो प्रैक्टिकल है टोटल आपके 21 प्रैक्टिकल है। ओके, तो 21 प्रैक्टिकल में से आपको टोटल 21 प्रैक्टिकल है, 21 प्रैक्टिकल में से जो प्रैक्टिकल आएंगे वो ज़्यादातर थियोरिकल बेस आएंगे और जो हाफ एंड है वो आपको प्रैक्टिकल करना है। होगा जैसे कि क्रिप्टोग्राफी के जो यूनिट नंबर 3 है जिसके अंदर हम क्रिप्टोग्राफी सीख रहे हैं, उसका जो प्रैक्टिकल है वो आपको परफॉर्म करके देखने होंगे और यूनिट 1 के जो प्रैक्टिकल है वो आपको डॉस में मीन्स के जो लिनक्स सिस्टम है डॉस है डॉस कमांड है उसमें आपको रन करके देखने होंगे। ठीक है, तो ये टोटल प्रैक्टिकल का लिस्ट है जिसकी आपको ये जो प्रैक्टिकल है वो आपको फाइल पेज में लिखने हैं। तो हम कोर्स आउटकम यानी कि हम कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो इसके अंदर कंटेंट में क्या क्या है, हमको क्या सीखना है, टोटल इस यूनिट में क्या आएगा, तो टोटल 4 टॉपिक है। उसके अंदर हमें थ्रेट्स टू सिक्योरिटी, सेकंड है एवेन्यू ऑफ अटैक, थर्ड है सिक्योरिटी बेसिक एंड टाइप्स ऑफ अटैक, इतने जो टॉपिक है वो हमें इस यूनिट में सीखने हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट लेते हैं, सॉरी टॉपिक लेते हैं 1.1 यानी कि थ्रेट्स टू सिक्योरिटी। तो उसके अंदर हम क्या क्या कंडक्ट करने वाले हैं, तो उसके अंदर आएंगे वायरस एंड बॉम्ब्स, इंट्रूडर्स एंड इंसाइडर्स, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट एंड इंफॉर्मेशन वेयरफेयर। ये जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर टोटली वायरस के रिलेटेड हमें स्टडी करना है। ये अलग अलग टॉपिक है जिसके हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज सिक्योरिटी थ्रेट्स। ओके, सिक्योरिटी थ्रेट्स हम किसे कहते हैं? तो इन कंप्यूटर सिक्योरिटी अ थ्रेट्स इज अ पोटेंशियल नेगेटिव एक्शन और इवेंट फैसिलिटेड बाय अ वल्नरेबिलिटी दैट रिजल्ट्स इन एन अनवांटेड इम्पैक्ट टू अ कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशन। इसका मीनिंग के हम सिक्योरिटी कैसे किसको बोलते हैं और थ्रेट्स हमें किसको बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थ्रेट्स कैसे वर्क करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो किसी भी नेटवर्क के अंदर से इंफॉर्मेशन को लीक करने को हम क्या कहते हैं? थ्रेट्स कहते हैं। ओके, एंड देन सिक्योरिटी हम किसे बोलेंगे? तो जब किसी नेटवर्क के अंदर से इंफॉर्मेशन लीक होती है तो उसे हम सिक्योरिटी थ्रेट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी कि टोटल फोर टाइप्स है सिक्योरिटी थ्रेट्स के। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स, अनस्ट्रक्चर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड स्ट्रक्चर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये जो फोर जो थ्रेट्स है सिक्योरिटी के टाइप्स है वो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो एन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑर्गेनाइज्ड विथिन द ऑर्गेनाइजेशन इट सेल्फ एंड इट कैन बी कैश बाय एनी यूजर विथ लिगिटाइमेट एक्सेस टू द कंपनीज एसेट्स सच एज अ करंट और फॉर्मर एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर अ बिजनेस एसोसिएट एक्सेट्रा। यानी कि जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट से वो कैसे वर्क करते हैं? तो जब कोई व्यक्ति नेटवर्क के अंदर से सिक्योरिटी थ्रेट्स क्रिएट करता है अर्थात नेटवर्क के अंदर से इंफॉर्मेशन को लीक करता है तो इस टाइप के थ्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स कहते हैं। 16% सिक्योरिटी थ्रेट्स इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के द्वारा होते हैं, यानी कि जो 16% जो होते हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। यानी कि वो जो कहे वो किस पे अटैक करते हैं? तो सबसे जो एसेट यानी कि रियल एसेट जो कंपनी है उसके जो फॉर्मर एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्टर है, बिजनेस एसोसिएटेड है, जो बड़े बड़े जो कंपनी होती है उसकी जो एप्लीकेशन होती है, जो साइट होती है उसके ऊपर अटैक करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ओके, एन एक्सटर्नल थ्रेट्स रिफर टू द रिस्क ऑफ समबडी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ अ कंपनी हु अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लोइट सिस्टम वल्नरेबिलिटीज थ्रू द यूज ऑफ मैलवेयर सॉफ्टवेयर, हैकिंग, सबोटेज और सोशल इंजीनियरिंग। मैलवेयर सॉफ्टवेयर यानी कि मलवेयर, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है क्या है? मलवेयर। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट से वो किस तरह से वर्क करते हैं? तो जब कोई व्यक्ति के यानी कि जब कोई व्यक्ति नेटवर्क के बाहर से नेटवर्क में सिक्योरिटी थ्रेट्स क्रिएट करता है, यानी कि कोई व्यक्ति जो नेटवर्क के अंदर एटले कि जो हम हैकिंग बोलते हैं, ओके, जो अटैकर क्या करते हैं नेटवर्क के अंदर अपना जो अटैक होता है वो एंटर करते हैं, यानी कि नेटवर्क के बाहर से इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं, तो उस टाइप के थ्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है IDS यानी कि इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम द्वारा ये डिटेक्ट किया जाता है। ये एक प्रकार का वायरस की जो एप्लीकेशन है, ये एक टाइप का वायरस है, उस द्वारा मिलकर क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट आएगा अनस्ट्रक्चर सिक्योरिटी थ्रेट्स। अनस्ट्रक्चर सिक्योरिटी थ्रेट्स हम किसे बोलेंगे? तो अनस्ट्रक्चर थ्रेट्स रिफर टू अ कंप्यूटर अटैक फ्रॉम नोविस हैकर्स, ओपन कॉल स्क्रिप्ट किडीज हु यूज सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय मोर एडवांस्ड हैकर्स टू गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम और एक्सेस टू अ सिस्टम और लॉन्च अ डेनी ऑफ सर्विस अटैक। यानी कि अनस्ट्रक्चर सिक्योरिटी थ्रेट्स में क्या होता है कि एक किसी बिना अनुभव वाले व्यक्ति के द्वारा मीन्स के क्या किया जाता है?
के बना क्रिएट किया जाता है। जो व्यक्ति को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है वो व्यक्ति इस थ्रेड को बनाता है और इसमें इसमें व्यक्ति इंटरनेट पर उपस्थित टूल के द्वारा किसी नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करता है। यानी कि जो हैकर है उसके प्रॉपर पता नहीं है कि मुझे हैक कैसे करना है, तो वो नेटवर्क साइट को इतनी जल्दी से नहीं जानता, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा कि वो नेटवर्क के जो टूल्स है उसे रिफर करके वो क्या करेगा कि थ्रेड्स को क्रिएट मीन्स के नेटवर्क में जो है जो नेटवर्क साइट है उसे नेटवर्क के टूल से वो हैक करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, पॉट स्कैनिंग टूल, एड्रेस स्क्रिप्टिंग टूल, यानी कि जो अलग अलग टाइप की जो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एड्रेस है, जो पॉट स्कैनिंग टूल है, वो सबका यूज़ करके वो क्या करता है इंटरनेट टूल्स द्वारा हमारी जो वेबसाइट है उसमें जो थ्रेड्स है उसे एंटर करता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर सिक्योरिटी थ्रेड्स। तो अ स्ट्रक्चर सिक्योरिटी थ्रेड्स ऑन द अदर हैंड इज इम्प्लीमेंटेड बाय अ टेक्निकली स्किल्ड पर्सन हु इज ट्राइंग टू गेन एक्सेस टू योर नेटवर्क। दिस हैकर क्रिएट्स और यूजेस सम वेरी सोफिस्टिकेटेड टूल्स टू ब्रेक इनटू योर नेटवर्क और टू डिस्ट्रैक्ट द सर्विस रनिंग इन योर नेटवर्क। यानी कि स्ट्रक्चर में क्या होगा कि या किसी मींस के ये जो स्ट्रक्चर सिक्योरिटी है वो क्या करता है कि कोई जो व्यक्ति यानी कि कोई पर्सन को पूरी नेटवर्क की मींस के हैकर की हैकर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल को कोई व्यक्ति को सिस्टम को कैसे हैक किया जाता है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, वो इस टाइप के जो थ्रेड्स होते हैं वो नेटवर्क के अंदर क्या करते हैं के तो बनाते हैं, इसलिए कि नेटवर्क की अंदर वो एंटर करते हैं। यानी कि अनस्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो व्यक्ति को नेटवर्क साइड का यानी कि हैकर का कोई भी नॉलेज नहीं है वो इंटरनेट टूल्स द्वारा क्या करेगा नेट में अपने आप का जो वायरस क्रिएट किया है थ्रेड्स क्रिएट किया है वो डालने का ट्राई करेगा। जब स्ट्रक्चर सिक्योरिटी थ्रेड्स में क्या होगा को जो व्यक्ति की प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नेटवर्किंग की हैकिंग की जो प्रोसेस पता है वो अपने मींस के अपने टूल्स एंड नेटवर्किंग टूल्स को ऐड करके नेटवर्क के अंदर अपना जो थ्रेड्स है वो एंटर करेगा। उसमें क्या आएगा फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड ICMP उसका पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल फ्लड। यानी कि इसे हम एक शॉर्ट नेम में दूसरे नेम से पिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल से भी हम जानते हैं, एक टाइप का वायरस ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि वॉट इज वायरस वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वॉट इज ट्रोजन वायरस एंड वॉर्म्स क्या है। ओके, तो आसान बनाने के लिए अब आप यहाँ पे एक तीन पर्सन देख सकते हो। ठीक है, मैंने आसान बनाने के लिए आपको पता चले कि जो ट्रोजन है वायरस है एंड वॉर्म्स है एक प्रकार के वायरस ही है, मीन्स उनके काम अलग अलग है। ओके, तो इसलिए मैंने फिगर आउट में इन तीन मानस मीन्स के जो पर्सन है उसकी फिगर ड्रॉ आउट की हुई है। तो उसे आसान बनाने के लिए सबसे पहले मैं इन तीनों को मीन्स के एक सेक्शन में मैं डिवाइड करूँगी। ठीक है, मीन्स के इन तीनों को मैं क्या करती हूँ एक सेक्शन में डिवाइड करती हूँ और फिर हम मैं ये चेक करती हूँ कि हमारे सिस्टम में या लैपटॉप है फोन है इसमें ये वर्क कैसे करते हैं और हमारे सिस्टम को ये हैक कैसे करते हैं। ठीक है, तो आसान लैंग्वेज में हम एक बार कहते हैं मैंने इन तीन सेक्शन में क्रिएट किया हुआ है कि एक फोन में हमारे लैपटॉप में वर्क कैसे करते हैं और हमारे सिस्टम को हार्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन है वायरस वॉर्म्स एंड ट्रोजन, ये जो बीच वाला है वो वायरस का इमेज है,
जो राइट साइड है वो आपका जो है वो वॉर्म की फिगर है एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ट्रोजन हॉर्स वायरस की फिगर है। तो आसान लैंग्वेज में एक बोलते हैं तो ये तीनों एक प्रकार के वायरस हैं, ओके। बट उनको मैंने थ्री कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर किया हुआ है कि ये फॉर्मेट कैसे करते हैं, मीन्स कि अपने सिस्टम को फॉर्मेट कैसे करते हैं और अपने सिस्टम में उसके वर्क करने का तरीका कैसे है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये हमारी सिस्टम में वर्क कैसे करते हैं, हाउ दे गेट एंटर इन आवर सिस्टम, ओके। तो ये जो है वो हमारी सिस्टम में, कंप्यूटर में या फोन में, हमारे कंप्यूटर या फोन में कोई भी चीज़ कहाँ से आती है, वो तो कहाँ से आती है, तो जब वो हम हमारे फोन में जो या लैपटॉप में है, हमारी सिस्टम है, वो हमारे फोन में वो चीज़ कब आती है, जब हम कोई इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, ओके। तो या ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वो हमारे सिस्टम में इंटरनेट थ्रू आता है। तो वो जो अलग अलग टाइप के जो वायरस है वो एक्टिव होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑफलाइन, ये मैंने पेन ड्राइव का लिया हुआ है। सेकंड वन है पेन ड्राइव, कि जब हम किसी की पेन ड्राइव को कॉपी करते हैं तो हमारे क्या करते हैं, पेन ड्राइव में से किसी की पेन ड्राइव से हम अपने लैपटॉप में डेटा लेते हैं तो उस द्वारा भी हमारे सिस्टम में वायरस एंटर होते हैं। नेक्स्ट है कि जब कोई वेबसाइट का आप सफ़र कर रहे हैं और वेब पेज में से आप देख रहे, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे, या अगर एंड्रॉइड फ़ोन में आप कोई डाउनलोड कर रहे, सफ़र कर रहे, तो उस टाइम पे कोई सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है तो उस टाइम पर हमारी सिस्टम क्या करती है, ट्रोजन वायरस वॉर्म से मीन्स के क्या होता है कि एंटर हो जाते हैं, ओके। तो उस टाइम पे जो वायरस है वो हमारे सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, ओके। ये थर्ड वन तरीका था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ दे इफेक्ट अवर सिस्टम, कि वो हमारे सिस्टम पे इफेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम वायरस के, तो ये हमारे सिस्टम को इफेक्ट कैसे करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले वायरस, ओके। तो व्हाट इज वायरस, ओके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वायरस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है। तो विक्टर इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेस, ओके। ये मॉलवियस प्रोग्राम है, एक मलवार है, रूट कीट है, यानी कि एक वायरस जो है एक टाइप का प्रोग्राम है, ओके। जो हमारी सिस्टम को करप्ट करता है, यानी कि हमारी फाइल जो होती है उसे क्या करता है, करप्ट करता है, ओके। तो प्रॉपर डेफिनेशन उसकी क्या आएगी, तो अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम और पीसीज ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन टू योर कंप्यूटर विथाउट योर नॉलेज एंड रन्स अगेंस्ट योर विश। वायरस कैन ऑल्सो रिप्लीकेट देमसेल्फ, यानी कि वायरस है वो हमारी सिस्टम में कहीं से भी आ जाता है और हमारी फाइल को करप्ट करता है, हमारी सिस्टम को स्लो करता है, ठीक है। तो मेनी टाइम हमें कहीं दिखते नहीं, पर ये जो वायरस है वो हमें दिखते नहीं। आप ये आप देख सकते हो कि मैंने फिगर आउट लिए कि वायरस है जो हमारी सिस्टम में कहीं में से आया जाता है और स्लो करता है और हमारी जो इम्पोर्टेंस फाइल है उस पर अटैक करके इसे क्या करते हैं, करप्ट करते हैं, पर हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो कई बार हमारी पूरी सिस्टम को ये करप्ट कर देता है, तो हमें पूरी विंडोज़, अगर ये जो वायरस हमारी सिस्टम में आ गए और हमें पता नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो फाइल को करप्ट करते हैं, धीरे धीरे वो हमारी पूरी सिस्टम को करप्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि पूरी विंडो को हमें क्या करना पड़ता है, फिर से डालनी पड़ती है। तो इस तरह से जो वायरस है वो मीन्स के वर्क करता है और हमारे सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करता है। तो सबसे पहला वायरस कौन सा था, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो वायरस था 1982 में, जो नेटवर्क वायरस था उसका नाम था क्रिपियर। एंड 1986 में जो फर्स्ट पीसी वायरस, यानी कि उसे हम बूट सेक्टर वायरस कहते थे, वो सी ब्रेन वायरस था। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जीटीयू में
आपको पूछा जाता है कि पहला नेटवर्क वायरस कौन सा था और पहला कंप्यूटर वायरस कैसा कौन सा था, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। थर्ड वन आप आगे देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के जो वायरस है वो हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। ये लिए हुए हैं मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, यानी कि कंप्यूटर का जो वायरस है वो कितने प्रकार के हैं और उसके नाम क्या है, वो यहाँ पे मैंने मीन्स के फिगर आउट में लिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम वॉर्म वायरस। ओके, तो वॉर्म वायरस क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार के वायरस ही है, पर उनका काम हमारे सिस्टम में क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो वॉर्म की हम डेफिनेशन बोले तो क्या होती है, तो अ कंप्यूटर वॉर्म इज अ टाइप ऑफ मलवार डेट स्प्रेड कॉपी ऑफ इटसेल्फ ऑफ कंप्यूटर टू कंप्यूटर। ओके, एंड अ वॉर्म कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इट डज नॉट नीड टू अटैच इटसेल्फ टू अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू कैच दिस डिमेज। यानी कि आप नीचे फिगर में देख सकते हो कि मैंने सिंबल भी ले हुए, ये आपके ह्यूमन जो लॉट्स ऑफ वॉर्म्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये आपकी फाइल डैमेज कैसे करता है, और ये लैपटॉप है और ये वॉर्म्स का फिगर है। तो हम वॉर्म्स के बारे में सबसे पहले ये वर्क्स कैसे करता है तो जानते हैं। तो जो वॉर्म्स वायरस है वो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। ठीक है, उसको ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत नहीं होती, यानी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ये ऑटोमेटिकली ही वर्क करता है। अगर एक आपकी सिस्टम में आ गए तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट करते हैं एंड ये अपनी क्वांटिटी क्या करते हैं, बढ़ाते ही जाते हैं। ये आप देख सकते हो कि इसमें कोई ह्यूमन की इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने सिस्टम में वो आ गए हैं तो ऑटोमेटिकली ये वो क्या करते हैं, लॉट स्वॉप, वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अगर वॉर्म्स आपकी सिस्टम में आ गया है तो वो अपने जैसे कई सारे, अगर वो अपने सिस्टम में वो, अगर आपका फ़ोन हो, लैपटॉप हो या अपने पीसी हो, तो अगर वो एंटर हो गया तो ये क्या करते हैं, अपने जैसे कई सारे बना देता है और आपको वो और आप उसे टच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये अपना काम ऑटोमेटिकली कर देता है। ओके, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना काम खुद ही करता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं वॉर्म्स में देती हूँ, अगर अपने फॉर एग्जांपल पे मैं आपको पेन ड्राइव का देती हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। अगर आपको कुछ लेना है अपने फ्रेंड के पास से, और कुछ इम्पोर्टेंस डेटा लेना है अपने अपने फ्रेंड के पास से, वो जेंडर या ब्लूटूथ द्वारा अपने फोन में नहीं आ सकता, तो आप सेकंड ऑप्शन क्या लेंगे, वो आप पेन ड्राइव से लेंगे। ओके, तो जब भी आप पेन ड्राइव से अपने फ्रेंड से डेटा लेते हो तो वो अपना फ्रेंड है, जो अपना फ्रेंड है वो अपने पीसी में से आपको जब डेटा देता है तो वो पेन ड्राइव में अगर वॉर्म्स आ जाता है, ऑलरेडी वॉर्म्स है और वो अब अपने सिस्टम में मींस के डालते हो, तो वो क्या करता है, अपनी इम्पोर्टेंट फाइल को करप्ट करता है और अपने जैसे कई सारे मींस के वॉर्म्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रोजन हॉर्स वायरस। ओके, तो ट्रोजन हॉर्स वायरस कैसे वर्क करता है, तो ट्रोजन हॉर्स और ट्रोजन इज अ टाइप्स ऑफ मैलवेयर कोड और सॉफ्टवेयर डेट लुक्स लिगिमेंट बट कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर। अ ट्रोजन इज डिजाइन टू डैमेज, डिस्क्रप्ट, स्टील और इन जनरल इनहिबिट सम अदर हार्मफुल एक्शन ऑन योर डेटा और नेटवर्क। वंस इंस्टॉल अ ट्रोजन कैन परफॉर्म द एक्शन इट वॉज डिजाइन फॉर। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि ट्रोजन का है। तो ट्रोजन वर्क कैसे करता है, तो वो ट्रोजन हॉर्स वायरस है वो एंड्रॉइड फोन को हैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंस के जो वॉर्म्स एंड वो वायरस है वो कंप्यूटर में मीन्स के एंटर होते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रोजन हॉर्स एंटर नहीं होता, पर इसका सबसे पहला काम क्या होता है कि जो अपना एंड्रॉइड फोन है उसे हैक करता है। ओके, वो कैसे हैक करता है, तो फॉर एग्जांपल कि आप कोई गेम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उस साथ में
बाइड होके टोजन आ जाता है और वर्क करना अपना स्टार्ट कर देता है। ओके, जब भी आप कोई गेम या सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम के अंदर, तो उसके साथ में एक बाइड होके वो टोजन अपने सिस्टम में आ जाता है और वो अपना जो वर्क है वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अटैकर और डेवलपर होते हैं जो APK फाइल को एग्जेक्ट करते हैं। ओके, और इसके बाद में इसमें कुछ ऐसी कोडिंग करते हैं कि जिसकी वजह से एक बैकडोर मींस के क्या करता है कि बना लेता है और ट्रोजन वायरस में अटैच कर देते हैं। यानी कि कई सारे अटैकर हैं वो जब भी आप कोई गेम या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसके साथ जो APK फाइल आती है उसकी कोडिंग में चेंज कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रोजन वायरस है वो बैकडोर बन जाता है और ट्रोजन वायरस मींस के क्या करता है अपने सिस्टम में अटैच हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में जब आप फाइल को अपने जो फाइल है अपने आप पर अपने फाइल को आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में इंस्टॉल करते हो तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली एक बैकडोर बन जाता है और उसके बाद आपका फ़ोन का जो सारा कंट्रोल होता है वो किसके पास आ जाता है, जो ये येलो कलर का सिंबल है वो अटैक करता है, वो अटैक करके पास में आ जाता है और वो आपकी सिस्टम में एक बैकडोर थ्रू मींस के बना लेता है। यानी कि आपकी सिस्टम को कोई भी फाइल हो या फोन हो वो टोटली वो यूज़ कर सकता है। ओके, यानी कि शॉर्टली मैं बोलूँ तो ट्रोजन हॉर्स है वो एंड्रॉइड फ़ोन को हैक करता है। ओके, तो कैसे के जब भी कोई आप एंड्रॉइड फ़ोन में या अपने PC में गेम या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो इसके साथ में जो APK फाइल जो डाउनलोड होती है इसमें जो अटैकर है वो कोडिंग चेंज कर लेते हैं और एक जिसकी वजह से एक बैकडोर बन जाता है। ओके, तब क्या होता है जब ये फाइल आप अपने सिस्टम में रन करवाते अपने फ़ोन में रन करवाते हो तो एंड्रॉइड फ़ोन में इंस्टॉल करते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक बैकडोर मींस के एक बैकडोर बन जाता है और उसके बाद आपका फोन का जो सारा कंट्रोल है वो अटैकर के पास चला जाता है। यानी कि अटैकर है वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पूरा जो फोन है वो फोन है उसे यूज कर सकता है। यानी कि आपके फोन का सारा जो कंट्रोल है वो अटैकर के पास चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखे हुए तीन मीन के डिफरेंस है वायरस वर्म्स एंड ट्रोजन का कि किस किस तरह से वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेक योर एंड्रॉइड सेफ फ्रॉम वायरस, यानी कि आप एंड्रॉइड फोन को वायरस से कैसे सेफ करते हो। तो सबसे पहले आप फोन की जो सिक्योरिटी है इसमें से अननोन सोर्स है वो आप टर्न ऑफ कर सकते हो, टर्न ऑफ कीजिए। और जब भी ऑलवेज आपको कोई भी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट गूगल क्रोम से डाउनलोड करने की बदले आप गूगल प्ले से डाउनलोड करते हो तो आपका फ़ोन जो है वो वायरस से सेफ रहता है। ठीक है, और अगर अपने सिस्टम में या फोन में ज़्यादातर आप जो वायरस मींस के यूज़ करते हो टेम्पररी, उसके बदले हम पेड यानी कि जो परचेस एंटीवायरस का जब भी यूज़ करते हैं तो हमारी सिस्टम या फोन सेफ रहता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो फॉर्मेट योर PC एंड अगेन इंस्टॉल विंडो। यानी कि जब भी आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है तो आप अपने पूरे सिस्टम को फॉर्मेट करके अगेन इसके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड जो फ़ोन है, फ़ोन में अगर जो आपने फ़ोन है वो उसकी फैक्ट्री को आप रीसेट कर सकते हो अथवा आप बाहर से भी रीसेट करवा सकते हो और अपनी जो रोम है इसे भी आप चेंज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एनी डाउट स्टूडेंट प्लीज़ कॉल मी, अदरवाइज मैसेज मी।